अस्सलामु अलैकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स के रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी, इसमें हमने कम्बशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया था। और नेक्स्ट जब हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट और हेलोजिनेशन। ठीक है जी, तो ये एक ही रिएक्शन के तीन डिफरेंट नाम हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह दें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दें, या फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन कह दें। और ये अल्केन्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, ओ लेवल्स में आपको इसमें से लाजमी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा, पेपर वन में या पेपर टू में। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन? केमिकल रिएक्शन इन विच इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स, आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स। और हैलोजन्स क्या है? ग्रुप सेवन एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप सेवन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सो दीज आर ग्रुप सेवन एलिमेंट्स। सो व्हाट आर वी सेइंग? कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। कौन रिप्लेस कर रहा है? हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह दें, और मोर स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है जी, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस कर रहा है? हैलोजन रिप्लेस कर रहा है। याद रखें, हमने अल्केन्स के स्टार्ट में बात किया था कि अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एडिशंस पॉसिबल नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। आप हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप ला के अटैच कर सकते हैं, और यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो अब सिंपल रिएक्शन क्या है? लेट सपोज हमारे पास ये अल्केन है, सबसे सिंपल अल्केन की एग्जाम्पल लेते हैं, मीथेन CH4 रिएक्टिंग विद कोई भी आप हैलोजन ले लें। एंड आई होप कि ये सबको मालूम होगा कि ये जो हैलोजन्स हैं ये डायटॉमिक एलिमेंट है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो लेट सपोज कि हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वैसे तो एक्चुअल में UV रेडिएशन रिक्वायर्ड है, बट ओ लेवल्स में अगर आप सनलाइट भी लिख दें तो काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन क्या होगा कि वन ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम, देखें ये चारों के चारों हाइड्रोजन इक्वली रिएक्टिव है, बिकॉज ये चारों के चारों इसी कार्बन से अटैच है, तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, और ये भी जा सकता है। मैं इसको रिमूव करूं, आप इसको रिमूव कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो लेट सपोज कि यहां से ये Cl ये रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, Cl हाइड्रोजन की जगह लेगा। कैसे लेगा, क्या रिएक्शन होगा, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा पेपर में, ओ लेवल्स में आपको सिंपल रिएक्शन जहन में रखना है। तो वन ऑफ द क्लोरीन एटम विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, क्या बनेगा? यहाँ बना लीजिए, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये तीन हाइड्रोजन रह गए, और चौथे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आके अटैच हो गया? क्लोरीन। ठीक है, फोर्थ हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और ये जो H यहाँ से निकलेगा, ये H जाके अटैच हो जाएगा इस Cl के साथ, तो वी गेट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वन ऑफ द हैलोजन विल रिप्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया? CH3Cl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, और जो H यहाँ से रिमूव हुआ वो इस जो Cl यहाँ बचा है इसके साथ कंबाइन होकर HCl बना रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप कह सकते हैं कि
डिस्प्लेसमेंट और हेलोजिनेशन भी हम इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि हेलोजन ग्रुप आके अटैच हो रहा है एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इफ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो वी कॉल इट फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि वॉट डू वी कॉल दोज रिएक्शंस विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो वी कॉल देम फोटो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, तो फोटो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आ रही है? सनलाइट से आ रही है, यूवी रेडिएशन से आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने रिएक्शन देखा, अब जरा हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। अच्छा जी, तो अब जो अभी हमने रिएक्शन लिखा था, हमने उसको डिस्प्लेड फार्मूला की फॉर्म में लिखा था, मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखता हूँ। CH4 रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा? यहाँ से CLH को रिप्लेस करेगा, वी गेट CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, नाउ दिस अल्केन विद वन कार्बन एटम इज कॉल्ड मीथेन, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसमें Cl आके अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन, बिकॉज ये मीथेन का ही डेरिवेटिव है, मीथेन से ड्राइव हुआ है, तो वी कॉल इट क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो द प्रोडक्ट विच वी गेट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड वी गेट क्लोरोमीथेन प्लस HCl। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने अभी जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमने कहा था कि वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सपोज आप एक थोड़ी सी अजम्पशन यहाँ पे करें, लेट सपोज आपने जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, ये रिएक्शन सिलेंडर है, ठीक है, ये कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, एंड इनिशियली वी हैड वन मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, और आपके पास क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है, लार्ज अमाउंट में है, लेट से वी आर हैविंग क्लोरीन इन एक्सेस अमाउंट। सो इफ वी हैव क्लोरीन इन एक्सेस अमाउंट, तो सपोज आपके पास ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये तीसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सो वी हैव क्लोरीन इन एक्सेस। नाउ व्हाट हैपन इज कि जब आप सनलाइट हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, यूवी रेडिएशन आएंगी, तो इनमें से कोई एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, लेट्स से इसने अटैक किया मीथेन पर और इसको ब्रेक कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, CH3Cl में, और यहाँ से जो एक Cl बचा उसके साथ H आके अटैच हो गया, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू HCl। आई होप कि सबको समझ में आ रही होगी बात, कि पहले मॉलिक्यूल ने अटैक किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह Cl आ गया, और जो H रिमूव हुआ वो दूसरे Cl के साथ मिलके HCl बन गया और ये क्लोरोफॉर्म बन गया। बट अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो स्टिल ये जो क्लोरोमीथेन बना है, इट हैज़ 3 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल। ठीक है, अभी भी इसमें ये 3 हाइड्रोजन बाकी हैं, यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम थे, तो आपने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया, उसकी जगह पे Cl आ गया, स्टिल इट हैज़ 3 हाइड्रोजन एटम्स। और अगर आपके सिलेंडर में अभी भी क्लोरीन गैस मौजूद है, तो फर्दर सब्सटीट्यूशन के चांसेस भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे फर्दर सब्सटीट्यूशन हो सकती है, एंड वी कैन से कि जी एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल, लेट सपोज ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये भी अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये स्टेप वन या आप कह लें कि पहला रिएक्शन, फर्दर सब्सटीट्यूशन। नाउ फर्दर सब्सटीट्यूशन अकर्स,
ठीक है, ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि अभी पहली सब्स्टिट्यूशन हुई है तो वी कॉल इट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है जी, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाउ फर्दर सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है क्लोरोमीथेन CH3Cl विल फर्दर रिएक्ट विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल जो यहाँ से आ रहा है, और ये एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेगा एंड वी गेट CH2। अब अगर यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाए तो इसकी जगह पे भी Cl आ जाए तो अब कितने हाइड्रोजन रह गए, दो हाइड्रोजन रह गए, तो CH2 और क्लोरीन कितने हो गए, टू। और जो यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो हाइड्रोजन जाके क्लोरीन के साथ अटैच होगा एंड वी गेट HCl। ठीक है जी, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्लोरोमीथेन था, अब क्योंकि दो क्लोरीन आ चुके हैं तो वी कॉल इट डाई क्लोरोमीथेन, क्या बन गया, डाई क्लोरोमीथेन। तो आप समझें ये क्लोरीन इसने अटैक किया, यहाँ पे तीन से दो हाइड्रोजन एटम रह गए और एक और क्लोरीन आके ऐड हो गया, और ये जो क्लोरीन था ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, HCl में। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूशन हो गई, बट स्टिल वी हैव क्लोरीन प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन मिक्सचर, तो इसका मतलब, और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो क्लोरीन है ये अगेन अटैक कर सकता है इस डाइक्लोरोमीथेन पे, तो इस स्ट्रक्चर पे अभी फर्दर सब्स्टिट्यूशन के चांसेस हैं। जब तक यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है फर्दर सब्स्टिट्यूशन के चांसेस हैं, तो क्या होगा, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, दिस इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और अब यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप विल रिएक्ट विद क्लोरीन इन द थर्ड रिएक्शन, CH2Cl2 will further react with chlorine, dichloromethane will further react with chlorine, और यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन रह गए हैं एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसकी जगह पे भी, लेट सपोज इस क्लोरीन ने अटैक किया तो अब ये क्या हो गया, दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन रह गया CHCl3, दो से तीन हाइड्रोजन हो गए, प्लस जो यहाँ से H रिमूव होगा Cl के साथ मिलके HCl, तो क्या हुआ, एक और हाइड्रोजन रिमूव हो गया CH, और ये एक और Cl ऐड हो गया CHCl3, और ये क्लोरीन कन्वर्ट हो गया किसमें, HCl। तीसरा स्टेप डाइक्लोरोमीथेन, और ये जो प्रोडक्ट बना है क्योंकि इसमें तीन क्लोरीन है तो दिस इज कॉल्ड ट्राई क्लोरोमीथेन विच इज कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये एज एन एनेस्थेटिक जो है वो यूज किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बन गया CHCl3, बट अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, यानी फर्दर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हो सकती है, तो और आपके पास रिएक्शन चैम्बर में क्लोरीन भी मौजूद है, क्लोरीन अगेन अटैक करेगा, तो आई होप कि आप सबको बात समझ में आ रही होगी, चौथा रिएक्शन सब लिख सकेंगे। तो फोर्थ सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा कि ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 विल फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन, और जो आखिरी हाइड्रोजन रह गया है ये भी रिमूव हो जाएगा, CCl4 बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl, दिस इज कॉल्ड टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, चार क्लोरीन आकर अटैच हो गए। CCl4 इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ठीक है जी, CCl4 जो है इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, और ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखें मीथेन के केस में अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन के केस में अगर क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो मीथेन कैन गो फोर सब्स्टिट्यूट, कैन अंडरगो फोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, चार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, चार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी गेट When methane reacts with excess chlorine, how many organic compounds or organic products? कितनी organic products मिलेंगी जब methane react करेगा किसके साथ, excess chlorine के साथ, तो 1, 2, 3, 4, चार organic products मिलेंगी, chloromethane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane। अच्छा, और अगर question ऐसे आए कि how many
how many products can we get when methane reacts with excess chlorine? Total number of products. तो total number of products कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, चार तो organic हो गई plus HCl. हर reaction में आपको एक HCl मिल रहा है. तो अगर total number of products की बात हो रही है तो 5 product मिलेंगी. और अगर organic products की बात हो रही है तो 4 products हैं. Chloromethane, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane. ठीक है, थोड़ा सा ज़रा रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. और अभी देखें, इसमें हमने मीथेन की एग्जांपल ली है. अगर यहाँ इथेन होता, उसमें दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं. अगर प्रोपेन होता, वहाँ 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे. बट अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, फिलहाल आपने इस रिएक्शन को जहन में रखना है. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को क्या होता है, ठीक है, व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वन और मोर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड. तो वो हमने देख लिया. अच्छा, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है, तो फिर आपको ब्रोमोमीथेन, डायब्रोमो, ट्राइब्रोमो, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे. ठीक है बेटा, क्लियर है. अभी आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं. इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है. और इसको अच्छी तरह से देखें लेक्चर को, और जो भी प्रॉब्लम हो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.